कॉमर्स, नाम तो आपने सुना ही होगा। कुछ ही दिनों में एक बात सुनने को मिला कि ट्रू कॉलर UPI रजिस्ट्रेशन के लिए SMS भेज रहा है, वो भी आपका परमिशन के बिना एक SMS भेज रहा है किसी कस्टमर्स को और बोला जा रहा है रजिस्ट्रेशन UPI रजिस्ट्रेशन कीजिए। जी फ्रेंड्स, आपने नहीं सुना, UPI रजिस्ट्रेशन का जो भेज रहा है वो सही है। सिक्योरिटी एंड प्रिवेंसी के बारे में, यानी ट्रू कॉलर्स में सिक्योरिटी जो प्रिवेंसी है वो एक्चुअल में सही है या गलत, क्या हमें ट्रू कॉलर्स को यूज करना चाहिए या नहीं, इसके बारे में आज हम डिटेल्स में बात करने वाला है। एक्चुअल में ट्रू कॉलर कैसे काम करता है, किस तरह से वो आपका डाटा स्टोरेशन करता है और कैसे ट्रू कॉलर पैसा कमाता है। जी हाँ फ्रेंड, आज हम इसके बारे में डिटेल्स में बात करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखिएगा अगर आप जानना चाहते हैं और डिटेल से सुनना चाहते हैं। प्लीज डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर नेक्स्ट वीडियोस। सो लेट्स स्टार्ट। अभी हम आपको बताने वाला है आपका जो ट्रू कॉलर्स है उसमें जब भी आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉलेशन करते हैं उसी टाइम पे आप 4 जो आपका अलाउ है उसको आप अलाउ कर देते हैं, या उसका जो नोटिफिकेशन आता है 4 उसको आप अलाउ कर देते हैं, इसी कारण आपको जो डेटा है वो इंस्टॉलेशन कर रहा है ट्रू कॉलर्स। यानी आप सोचेंगे कि मैं ट्रू कॉलर्स मुझे बहुत काम देता है कि मैं इसको इंस्टॉल करके किसी अननोन व्यक्ति पर्सन मुझे फ़ोन करता है तो मैं इसको इजीली फाउंड आउट कर पाता हूँ कि मुझे कौन फ़ोन किया है। जी फ्रेंड, वो कैसे कर पाता है इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि आपका जो ट्रू कॉलर सॉफ्टवेयर्स है वो आप जब भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं उसमें आप 4 जो अलाउ है, जैसे कॉन्टैक्ट्स आपका हो गया, मैसेजिंग, उसके बाद आ गया आपका फोन कॉल, चैट्स, SMS के थ्रू आप उसको अलाउ करते हैं। तो इसमें क्या होता है, आपको जो डेटा है वो हर डेटा आपका जो ट्रू कॉलर्स का जो सर्वर है उसमें आपका स्टॉक किया हुआ रहता है। जब भी आप ट्रू कॉलर्स के थ्रू फोन करते हैं, यानी किसी बंदा फोन करता है तो उसी डाटा के थ्रू आपको वेरीफाई करवा के, यानी वो वेरीफाई करता है, करने के बाद जिस नाम से आपका प्रोवाइडेड है नंबर हो, आपका SMS हो, कुछ भी हो, वो इजीली आपके सामने डिस्प्ले है उसमें फाइंड आउट हो जाता है। तो इसी तरह से जो ट्रू कॉलर्स है आपको दिखा पाता है कि कौन फोन कर रहा है और जैसे डाटा कैसे इंस्टॉलेशन होता है। जैसे जब भी आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल करने के टाइम आपको इस तरह से इंटरफेस खुल के आता है, 4 स्टेप है, उस 4 स्टेप में आप उसको अलाउ कर देते हैं। जैसे कि फर्स्ट में आता है मैनेज फोन कॉल्स। हाँ फ्रेंड, मैनेज फोन कॉल्स यानी आप अगर ट्रू कॉलर चाहे तो आपका फोन से वो इजीली किसी को भी फोन कर सकता है। जी फ्रेंड्स, वो ना एक इंटरेस्टिंग बात, आपका फोन से ही ट्रू कॉलर इजीली किसी को भी फोन कर सकते हैं, यानी आप उसको परमिशन देते हैं। इसलिए नेक्स्ट में आता है आपका फोन कॉल लॉग्स। फोन कॉल लॉग्स यानी आप किससे कितना टाइम पे बात करते हैं, किसको फोन करते हैं, कहाँ पे फोन करते हैं, टोटल ये जो डाटा है आपका वो जो इंस्टॉल कर लेता है, यानी उसका डाटा जो सर्वर डाटा है उसमें वो सेव कर लेता है और आपको इजीली वो दिखा पाएंगे कि कैसे आप उसको। और नेक्स्ट में आता है एक्सेस योर कॉन्टैक्ट। सबसे महत्वपूर्ण बात है एक्सेस योर कॉन्टैक्ट, यानी आप जब भी इसको अलाउ करते हैं, यानी आपका मोबाइल पे जितना भी फोन कॉल्स यानी नंबर्स है वो ऑटोमेटिकली जब भी हम अलाउ करते हैं उस अलाउ के दौरान आपका जितना भी फोन नंबर है वो आपका सर्वर है उसमें स्टॉप हो जाता है। तो जो होता है सेंड एंड व्यू SMS। जी फ्रेंड, जो कुछ ही दिन में सुना गया था कि UPI रजिस्ट्रेशन के लिए आपसे ऑटोमेटिकली SMS भेजता था, वो कैसे, इसी अलाव के कारण, यानी आप इसको परमिशन देते हैं कि हाँ जी हाँ मैं आपको परमिशन देता हूँ कि मेरे मोबाइल से आप इजीली मैसेज सेंड कीजिए और आप मैं मैसेज भेज रहा हूँ वो आप इजीली देख पाए। जी हाँ फ्रेंड, अगर आप इसको अलाव करके रखेंगे तो आपका जो डिटेल्स है वो इजीली कर पाएंगे। अभी आप सोचेंगे कि इसको मैं ट्रू कॉलर को मैं यूज करूँ या ना करूँ। देखिए फ्रेंड्स, वो आपका मर्जी है, आप चाहे तो यूज कीजिए, आप नहीं कहे तो मत यूज कीजिए। मुझे बताना था कि कैसा इसका हार्मफुल है,
क्या सही है क्या गलत है मैं आपको इसके बारे में बताया, मगर आप चाहे तो यूज कर सकते हैं चाहे तो नहीं। यही कुछ कारण था आपका जो डाटा था इंस्टॉलेशन, यानी आपका इंस्टॉलेशन टाइम को जो अलाउ करते थे उसी कारण से आपका जो डाटा है वो चोरी होता था। और ट्रूकॉलर इस डाटा को किस तरह से यूज करता है वो किसी को नहीं पता, शायद अच्छे काम में हो सकता है बुरा काम में भी हो सकता है। अभी बात करने वाले हैं कि ट्रूकॉलर कैसे अर्निंग करता है, यानी ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर से इसमें कैसे वो अर्निंग करता है। जी फ्रेंड्स, इसमें लाखों करोड़ों अरब इसका जो ट्रूकॉलर है वो इनकम कर रहा है। जी हाँ, आप तो सुनेंगे हाउ इट्स पॉसिबल कि ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। देखिए फ्रेंड्स, जब भी हम ट्रूकॉलर को इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल करने के बाद उसमें कुछ प्रीमियम ऑप्शन आ जाता है, अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं तो इस तरह के आपको फीचर्स मिल सकता है। मगर अब फिर भी आप ट्रूकॉलर यूज करते उस टाइप पे देखिएगा, जब भी आप किसी को नंबर या आपका कुछ भी बैकग्राउंड में आपका उसका नाम शो होता है तो उसमें देखिएगा छोटा सा ऊपर में एड्स आ जाता है, उसी एड्स से वो इनकम करता है। सो फ्रेंड्स, छोटा सा वीडियो है, वीडियो को कैसा लगा प्लीज, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज एक लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन खुला है प्लीज कमेंट करना, और प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना क्योंकि मैं आप सभी के लिए इस तरह डाल देता हूँ, और आप प्लीज बेल आइकन को जरूर दबाना क्योंकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत आपसे पहुँच जाए, यानी आपके पास पहुँच जाए। सो लेट्स बाय बाय, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।